मध्य प्रदेश के किसानों ने कड़ी मेहनत से इस साल गेहूं का बंपर उत्पादन किया है, लेकिन शासन प्रशासन धरती पुत्रों की मेहनत को संभालने में नाकामयाब साबित हो रहा है। ऐसा ही एक नजारा शाजापुर जिले के गेहूं खरीदी केंद्रों पर देखने को मिला है, जहां समय पर गेहूं परिवहन नहीं होने से लाखों क्विंटल गेहूं जलमग्न हो गए हैं। निसर्ग चक्रवात तूफान को लेकर गुजरात महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग में भी तेज हवा के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन शाजापुर प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कोई कदम नहीं उठाए, जिसके चलते काला पीपल के दर्जनों गेहूं उपार्जन पर रखा हजारों क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया। वहीं सोसायटी प्रबंधक राम गोपाल पालीवाल का कहना है कि परिवहन नहीं होने से केंद्र पर करीब 9000 क्विंटल गेहूं जमा हो गया, ऐसे में अचानक बारिश होने से परेशानी बढ़ गई। 9000 कुंटल क्यों नहीं हो रहा है इनका परिवहन? परिवहन करते के कहते हैं कि वो मक्सी जाएगा, कहीं बोलते हैं मंडी भी जाएगा तो गाड़ी नहीं आ रही। गाड़ी नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही गाड़ी? तीन दिन हो गए। अच्छा, यहाँ पर कई किसान ऐसे जिनको आज 15 से 16 दिन भी हो चुके हैं, उनके गेहूँ बिक्री क्यों नहीं हो रहा? उनको बारदान की कमी थी। बारदान की? तो बारदान को लेकर आपके द्वारा मांग की गई अपने उच्च अधिकारी से? बारदान नहीं आ रही? फिर बारदान लेट आया। अच्छा, दूसरा, मौसम विभाग द्वारा 28 तारीख को ही अलर्ट कर दिया गया था कि 1 से 5 तारीख के बीच में बारिश होने की संभावना है, बावजूद इसके यहाँ पर आपके गेहूँ खुले में पड़े हुए हैं। परिवहन नहीं होने के कारण प्रशासन द्वारा यहाँ पर तिरपाल की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु तिरपाल की व्यवस्था संपूर्ण तिरपाल ढका हुआ है। हम देख रहे हैं, आप वीडियो में भी है हमारे पास में, कि कई हजारों कुंटल गेहूँ जो खुले में पड़े हुए हैं उन पर तिरपाल ने ढाके गए। नहीं, ढाके गए तो हवा में उड़ जाते हैं, उसको क्या कर सकते? सभी ढके हुए हैं। वहीं काला पीपल के नामनी गांव के गेहूं खरीदी केंद्र पर वारदान नहीं होने से किसान पिछले 15 दिनों से अपने गेहूं विक्रय करने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में अचानक बारिश आ जाने के कारण किसानों की समस्या बढ़ गई है। फिलहाल देखना होगा कि किसान मुखिया शिवराज सिंह चौहान अन्नदाताओं की किस तरह से मदद करते हैं। हम अभी मौजूद है काला पीपल के नानी गांव में, जहां पर गेहूं उपार्जन केंद्र पर कई किसान ऐसे हैं जिनको 15 दिन हो गए हैं अपनी बारी का इंतजार करते करते, परंतु अभी तक उनका गेहूं विक्रय नहीं हुई है। हमारे साथ किसान मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की परेशानी से आपको जूझना पड़ रहा है। बताइए, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह मीना। कौन से गाँव से? ग्राम देवरा खेड़ी। अच्छा, गेहूँ विक्रय के लिए आपके पास कब मैसेज आया था और कब से यहाँ पर आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? मैं 21 तारीख से मेरे गेहूँ तुलवाने का इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक कोई तुले नहीं है मेरे गांव। मेरे गेहूँ काफ़ी भीग चुके हैं, कटनी की व्यवस्था हो चुकी थी लेकिन फिर भी गेहूँ मेरे तुल नहीं पाए। तो क्या कारण है कि अभी तक 15 दिन हो चुके हैं, ऐसे में अभी तक गेहूँ का विक्रय नहीं हो पाए? यहाँ पे कट्टियाँ उपलब्ध नहीं थी, जिसमें हमारे गेहूँ रखा थे, कट्टियाँ उपलब्ध नहीं थी और रात को तो यहाँ पर झगड़ा भी हो गया, झगड़ा के कारण भी हमारे गेहूँ नहीं तुल पाए। और उससे पहले भी गेहूँ कट्टियाँ नहीं आई, 21 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है नहीं यहाँ पर और सब हमारा गेहूं पूरा भीग चुका है। मेरा खुद का स्वयं का 300 क्विंटल गेहूँ ही जो भूला हो चुका है। ऐसे में आप रहे थे 15-16 घंटे से तो बारिश हो रही है, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बैठ जाते हैं कभी, या फिर बाहर ऐसे ही खड़े रहते हैं पानी के, देख लीजिए मैं पूरा भीगा हुआ हूँ, मेरे कपड़े भी भीगे हुए हैं, रास्ते भीगा हुआ हूँ। तो ये हमारे साथ देवरा खेड़ी गाँव के किसान है जो अपने गेहूँ विक्रय करने के लिए 21 तारीख को यहाँ पर पहुँचे हुए थे, परंतु आज 15 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ पर किसान के गेहूँ बारदान की कमी के कारण विक्रय नहीं हो पाए हैं। संदीप गहलोत, खबर मध्य प्रदेश न्यूज, काला पीपल। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।